वंदे बोधमयम नित्यम गुरुर शंकर रूपिणा यमाश्रितो वक्रो अपि तो चंद्रो सर्वत्र वंदते। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। नमः उनतीस दिसंबर सन 2011 और गुरुवार का दिन है और आपका जन्म 29 दिसंबर 2011 को है या आपका जन्म मात्र 29 दिसंबर को हुआ है या आपकी शादी की सालगिरह 29 दिसंबर को है, दोनों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। शनिदेव से मेरी प्रार्थना और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। आपका जन्म 29 दिसंबर को हुआ और आपको जीवन में कभी कोई परेशानी है, आपके लेन देन के मसले अटक रहे हो या कहीं भी कोई तकलीफ है, छोटा सा उपाय बता दो, ये उपाय बहुत अनुकूल रहेगा। श्रद्धा अनुसार दूध हर रोज लगातार 40 दिन कंजकों को देके देखिएगा, संपूर्ण परेशानी का निवारण हो जाएगा। छह मुखी रुद्राक्ष 11 दाने लाल धागे में धारण करना बहुत अनुकूल रहेगा। कुष्ठ रोगियों को चावल का दान देना भी आपके जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण कराएगा। ये अद्भुत तीन प्रयोग है, करके देखेगा आपको लाभ मिल जाएगा। नमन। और बात करते हैं गुरुवार के पंचांग की। पौष मास शुक्ल पक्ष की पंचमी और विक्रम संवत 2068 और गुरुवार के प्रातकालीन नक्षत्र है सर्वभिषा नक्षत्र और चंद्रमा कुंभ राशि में। और गुरुवार का राहुकाल दोपहर 1:30 बजे लेकर 3 बजे तक। राहुकाल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित नहीं माना गया। सलाह मेरी है और मर्जी आपकी है। नमन। और बात करते हैं गुरुवार की यात्रा की। जहां आप रहते हैं वहां से पश्चिम दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण शुभ और मंगलमय रहेगी। और गुरुवार के दिन यात्रा पे निकलने से पूर्व जीरा चबाते हुए यात्रा पे निकल जाइए, यात्रा में कष्ट कम आएगा। नमोनारायण। और अब मैं आपको ले चलता हूं नक्षत्र विज्ञान की दुनिया में और क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र आपके लिए। बात करते हैं गुरुवार के राशिफल की। नमोनारायण। और सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, समय अनुकूल, भाग्य उदय होगा, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे और अपनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और आज मित्रों से मिलन और उनसे सहयोग भी मिलेगा। सुख की साधनों में बढ़ोतरी होगी और मनोरंजन में समय व्यतीत होगा। क्या करें, कार्यों का चयन सोच समझ कर करें, क्या ना करें तो शत्रु पक्ष को कमजोर ना समझे। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों, जिस तरह के घर योगायोग आज वरिष्ठ लोगों से मुलाकात होगी और ये मेल और मुलाकात और ये संपर्क आपको लाभ भी दिलाएंगे। सुख के साधनों का उपयोग करेंगे, मन प्रसन्न रहेगा, धन वृद्धि होगी, उच्च अधिकारी को पूर्ण सहयोग और आज उन्नति के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। क्या करें, दूसरों को कभी कभी महत्व देना चाहिए, क्या ना करें, लंबी यात्रा अकेले ना करें तो ठीक रहेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, शनि शनि मन धीरे 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 कार्य में सुधार होगा, प्रश्न में सुधार होगा, परेशानियों और उलझनों से छुटकारा मिलेगा और जनकल्याण के कार्य में आप शामिल होंगे। समाज और परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और संतान संबंधी शुभ समाचार और यात्रा बड़ी सुखद रहेगी। बस थोड़ा सा खर्चा सावधानी से करना, बाकी गोचर बहुत अनुकूल है। क्या करें, सबका सहयोग करते हुए चले जाए, क्या ना करें, अपने अहम में आकर किसी का निर्देश का उल्लंघन करेंगे तो मोटा नुकसान है। नमन। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, सितारे संकेत दे रहे कि भाई थोड़ा सा शांत, भावनाओं में बहकर निर्णय लेना आज नुकसानकारक रहेगा। गोचर अनुकूल नहीं बनते हुए कार्य में व्यवधान है, सुख के साधनों में बाधा है, मानसिक तनाव है और गैर कानूनी कार्यों से बचना जरूरी, अन्यथा कानूनी उलझन और धन की हानि भी नजर आ रही है। क्या करें, दैनिक कार्य समय पर करें, क्या ना करें, सरकारी कार्यों में लापरवाही नहीं करें। छोटा सा उपाय, ओम श्राम श्रीम श्रम सत चंद्रमा से नमः, चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप करें। आज दूध का दान गरीब लोगों में कर लीजिए, 1.25 किलो, 1.5 किलो, 1.25 किलो दूध का दान दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, जिस तरह के घर युगायोग है, समय अनुकूल, सितारों को शुभ संकेत, अपने आसपास का वातावरण बड़ी खुशियों से भरा रहेगा और आज आपको निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी और मनोअनुकूल बहुत मजबूत रहेगा। जीवन साथी का पूर्ण सुख और वैवाहिक सुख का आनंद भी आप प्राप्त करें और शुभ कार्य संपन्न होंगे। परिजनों से मेल मुलाकात, नई मित्रता का लाभ, यात्रा में अनुकूल सफलता, क्या करें, अपने संबंधों में सुधार लाए, क्या ना करें, बिना वजह आक्रोश ना करें, गुस्सा ना करें, उत्तेजित ना हो तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों,
अपनों का पूर्ण सहयोग होगा और स्वास्थ्य अनुकूल लेकर धन का लाभ प्राप्त होगा। ध्यान रखें, अपनों का पूर्ण सहयोग, धन प्राप्ति की प्रबल योग, कारोबार में सुधार, ज्ञान विज्ञान में रुचि और तकनीकी क्षेत्र में विशेष सफलता, और आज चल और अचल संपत्ति का लाभ भी मिलेगा। गोचर अनुकूलता का संकेत दे रहा है। क्या करें? अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करें। क्या ना करें? समता का साथ नहीं छोड़े, बैलेंस जरूर बना के रखें, समता का साथ न छोड़े तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि की, लेकिन तुला राशि से पहले हर रोज किस तरह आज का एक सवाल, और आज श्रद्धा शर्मा मुरादाबाद से उनका सवाल लेते हैं, और वो अपनी बेटी विदुषी की शादी के बारे में जानना चाहती कि उन्हें शरीर सुख नहीं है, क्या उनका बेटा विश्वास मंगली है, उसका विवाह नहीं हो रहा, नौकरी में मन नहीं लग रहा, क्या करें, नौकरी भी मन लायक नहीं है। श्रद्धा जी नमो नारायण, मुरादाबाद ज्यादा दूर नहीं, कभी शनिधाम आकर अपने बच्चों को और आप खुद दर्शन करके जाएगा, बहुत सी परेशानी का निवारण हो जाएगा। बेटी विदुषी का तुला लग्न कुंभ राशि, और इस समय उनको शनि की महादशा चल रही है जो 11 जुलाई 2021 तक रहेगी, और इस समय शनि में शुक्र की अंतर्दशा है जो 1 जुलाई 2012 तक है, इसके बाद सूर्य की अंतर्दशा 13 जून 2013 तक। स्वास्थ्य को लेकर यदि परेशानी विदुषी को है तो आप हर रोज भगवान शिव की उपासना करें, हर रोज नित्य कर्म से निवृत्त स्नानों उपरांत भगवान शिव को दूध, गंगा जल और शायद पंचामृत बनाकर हर रोज आप यदि नियमित 40 दिन चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ग्रह योग आयोग ये संकेत दे रहे हैं कि इन्हें गौरी शंकर रुद्राक्ष 5 दाने धारण करवा दो तो बहुत अच्छा रहेगा। लाल धागे में गौरी शंकर रुद्राक्ष 5 दाने। बेटा विश्वास का कन्या लग्न है कर्क राशि, इसमें शुक्र की महादशा है, 15 फरवरी 2021 तक रहेगी। शुक्र में बृहस्पति की अंतर्दशा 17 दिसंबर 2013 तक और शनि की अंतर्दशा 15 फरवरी 2017 तक है। आपने मंगली होने के बारे में पूछा है, मंगल सबसे बड़ी बात है कि मंगल स्वगरी और अष्टम स्थान, कहीं भी मंगल अपनी राशि में बैठा हो तो मंगली दोष नहीं लगा, और मंगली दोष से ज्यादा परेशान होना भी नहीं चाहिए। मंगल सास प्राकर्म उत्साह का प्रतीक है, इसकी इसके बारे में जो नकारात्मक भ्रांतियां हैं इससे बाहर आइए। आपके बेटे को मंगल को लेकर कहीं पर, और मैं इसको मानता भी नहीं ज्यादा, आप परेशान मत होइए, मंगल बहुत अच्छा बेटा है, और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जीवन में सफलता हासिल करे तो शुक्र और बृहस्पति के बीज मंत्र का इन्हें जाप कराई, www.shanidham.in पर शुक्र और बृहस्पति का जाप इनको मिल जाएगा, कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं है। बेटा और बेटी दोनों की जन्मकुंडली ठीक है, उपाय जो मैंने बनाया इनका सारा लो, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगे सेकंड ओपिनियन जरूर लेना, जो मैं कह रहा हूं वही सही है ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि की, तुला राशि जिस तरह की खरी युगायुग समय थोड़ा सा मध्यम है, इसलिए कारोबार में विशेष रुचि लेनी पड़ेगी और सहकर्मियों को साथ लेके चलना पड़ेगा, शिक्षा के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी, अध्यात्म रुझान रहेगा, घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, लेन देन के मसले निपटेंगे, अपनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन संतान के स्वास्थ्य को चिंता, आप और अपनी और अपने संतान के स्वास्थ्य दोनों की चिंता है, थोड़ा ध्यान रखें। क्या करें? अच्छे चिकित्सक का परामर्श लें। क्या ना करें? तो बिना वजह आज घबराएं नहीं तो बहुत अच्छा रहे। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों जिस तरह की घरे युगायुग आज चोट लग सकती है, और ये चोट शरीर की भी हो सकती है और दिल से भी हो सकती है, भीतर की चोट भी हो सकती है, भाई कोई अपना आपको आज डिच कर सकता है, धोखा दे सकता है, धन की कमी है, परिवार में वाद विवाद है, शुभ कार्य आज नहीं करें तो बहुत अच्छा रहेगा, और माता के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी चिंता है। और एक बात और करना चाहता हूँ वृश्चिक राशि वालों, व्यर्थ के विवाद से बचना बहुत जरूरी है। क्या करें? किसी परिवर्तन के बारे में आज नहीं सोचे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या ना करें? वाहन तेज ना चलाए, छोटा सा उपाय है, सदा अनुसार साबुत मसूर और गेहूं गरीब लोगों में बांटी जाएगा, तकलीफ कम आएगी। नमन।